छिंदवाड़ा जिला के चौरई विधानसभा के ग्राम पंचायत रामगढ़ में 33 केवी लाइन का खंभा आड़ा हो गया है, जिससे स्कूल के बच्चों को एवं किसान को खतरा है। यह बड़ी लाइन की सप्लाई खिरेटी से कुंडा होती है, जो कि हाई वोल्टेज वाली लाइन है, जहां पर खंभा आड़ा हुआ है। उसके पास में ही स्कूल है और स्कूल के ऊपर से 33 केवी लाइन की तार गई है। यदि बिजली विभाग के द्वारा समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मीडिया को जानकारी में यह के सरपंच और उप सरपंच ने बताया है कि यह खंभा लगभग एक साल से लटका हुआ है। हमने बिजली विभाग के लाइनमैन को इसके बारे में सूचना भी दी, लेकिन आज तक कोई रिपेयरिंग कार्य नहीं किया गया है। यदि बिजली विभाग की ऐसी ही लापरवाही रहेगी तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि जहां ये खंभा आड़ा हुआ है उसी के पास में सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल के ऊपर से इसका तार गया हुआ है। लाइनमैन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बड़ी लाइन का कार्य बिजली विभाग के जेई और एई देखते हैं। मैंने उनको जानकारी से अवगत करा दिया है और मौके पर देखा गया तो अभी खंभा आड़ा है और इसमें कोई भी रिपेयरिंग कार्य नहीं किया गया है। इसलिए जन प्रतिनिधियों ने मांग की है कि जल्द ही खंभे में सुधार हो, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये समस्या ये भैया, ये 33 केवी की लाइट है जी, इसमें 50 मीटर दूरी में स्कूल है जी, उसके 10 फीट की रोड छोड़ने के बाद फिर बस्ती भी है जी। इसको मैंने जिला में भी एक अपना लेटर में सूचना भी दिया हूँ कि जल्द से जल्द इसका निराकरण हो जाए जी, तो इसमें बहुत बड़ी हानि हो सकती है। अब इसमें वो विद्युत विभाग का ही जिम्मेवारी रहेगी। अब सूचना तो अपन ने सबको दे दिए हैं जी, लाइनमैन को भी बार बार बोलते जा रहे हैं कि भाई इसको सुधारिए आप जी। ठीक है सरपंच साहब, करते हैं तो अब तक कर ही रहे हो जी, तो नहीं आया अभी तक वहाँ से जी। महोदय, ये 33 केवी जो लाइट है इसका खंभा तिरछा हो गया है और वायर काफ़ी नीचे आ गए जी, और ये कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, क्योंकि इससे 50 मीटर दूरी पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। क्या स्कूल के ऊपर से इसका तार गया है? इसके स्कूल के ही ऊपर से तार गए हैं, वो कभी भी गिर सकता है, जिसमें वहाँ पर बच्चों को मतलब दुर्घटना की संभावना बन सकती है। इसलिए विद्युत मंडल को हमने अनेक बार इस विषय में जानकारी दिए, लेकिन वो सब अनदेखी कर रहा है। वो चाह रहा है कि कोई दुर्घटना घटे और जब हम उस पर एक्शन लें, और हम चाहते हैं कि दुर्घटना ना घटे और उसके पहले ये व्यवस्था हो जाए। और 33 केवी लाइट है, वो हाई वोल्टेज एक साल से आड़ा है और अनेक बार तुम्हारे लाइनमैन को इस विषय में अवगत कराए तो वो बोलता है कि ऊपर साहब को बोल दिए तो ये साहब तो डी साहब, लेकिन अभी तक इसका कोई निराकरण नहीं। और अब फिर बारिश आ गई और सबसे बड़ी दिक्कत ये बनेगी कि स्कूल भवन है जी, उसमें कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, तो समय के पहले विद्युत मंडल इसको रिपेयरिंग करके व्यवस्थित कर दे। स्टैंड भी इसका निकल चुका है और जिसमें कोई बड़ी दुर्घटना का सामना ना करना पड़े, इसलिए हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते समय के पहले ये विषय हम उनको अवगत करा रहे हैं। और आज हमको उनने नहीं सुना, इसलिए मीडिया के सामने आके ये बात रखना पड़ा जी, ताकि प्रशासन भी इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। NBC न्यूज़ के लिए चौरे से राजेश उइके की रिपोर्ट।